बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? रौफज़ुल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है दोस्तों। जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो स्टेटमेंट शाया की गई है, इन स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 296 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 296 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 298,020 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर मशले से मजीद रिकवरीज भी आई हैं, आप लोग देख सकते हैं 282,763 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी होगी। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट शाया की गई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 17 मजीद पर्सन की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, और ये 17 मजीद डेथ्स मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 3,906 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और जमवात है वो आपके सामने काफ़ी हाई हैं। तो इसके पेश नज़र अभी भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत हैं हर सिटीजन्स और रेजिडेंस के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखे ताकि जो केसेस की तादाद है सल्तनत के अंदर वो थम सके। अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से, और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती हैं वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस ये कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, और रौफज़ुल अज़ीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।